हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड योर 12th बोर्ड प्रिपरेशन इज गोइंग फैंटास्टिक। तो बच्चों, हम लोग बात करें बेटा इंटीग्रेशन के बारे में, विच इज एक्सरसाइज 7 ऑफ NCERT। तो इस एक्सरसाइज 7th में हम लोग बात करेंगे बेटा एक्सरसाइज 7.4, जिसमें कुछ फॉर्मूले यूज किए जाएंगे जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहां पर। ठीक है, एक्सरसाइज 7.4 विच इज बेस्ड ऑन इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। ओके, जिसमें हमें कुछ फॉर्मूले यूज करने हैं जो कि हमने यहां पर लिख रखे हैं। तो पहले हम इसको समझेंगे कि ये वैल्यू आती कैसे है और देन इसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप देख रहे बेटा मैथ्स आइडिया, और जो भी इस चैनल पर नए बच्चे हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए तो इंटीग्रेशन जो दिया गया बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो ये इंटीग्रेशन कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला काम तो ये है बेटा कि हम लोग इसको दो तरीके से करेंगे। एक तो कंडीशन ये है कि आपके पास जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ध्यान से देखिएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस वैल्यू को हम थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक ना, एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं कि न्यूमरेटर में बेटा 1 है आपके पास, ठीक है ना, हम लोग जस्ट इसको सॉल्व कर दें बेटा, फिर बाद में इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें, इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो इस का डिफरेंस जो आता है बेटा 2a आता है। क्या आता है? 2a आता है। तो देखिएगा ध्यान से, हमने अगर यहाँ पे 2a लिख दिया जो डिफरेंस है एक्चुअल में, तो हमने 2a डिवाइड किया, 2a मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, डिफरेंस कर को हमने न्यूमरेटर में लिख दिया है। अब क्या कर सकते हैं, देखिएगा ये जो 2a है वो 2a एक्चुअल में x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए हो सकता है, डिवाइड बाय ये 2a हो गया और ये हो गया बेटा x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो 1/2a हो गया बेटा और ये हो जाएगा x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा, और माइनस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए एंड एक्स माइनस ए हो जाएगा। ये सभी को बातें समझ में आ रही होंगी, एक्स प्लस ए कैंसिल हो गया, एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया। अब जो एक्चुअल में हमारे पास आया है 1/2a आ गया बेटा, ये तो कांस्टेंट है, 1/x - a हो गया, 1/x + a हो जाएगा। ठीक है, और हमें करना क्या बेटा इसके बाद, एक्चुअल में हमें करना क्या था, इंटीग्रेशन करना था ना। तो हमने क्या किया बेटा, देखो यहाँ से ये इंटीग्रेशन बेटा, हमने यहाँ dx लिख दिया, ये एक्चुअल में इंटीग्रेशन है, dx हो गया। तो हमें करना क्या है, कंप्लीट का इंटीग्रेशन करना है, dx लिख दिया, कंप्लीट का इंटीग्रेशन करना है dx लिख दिया, कंप्लीट का इंटीग्रेशन करना है dx लिख दिया, अगेन इंटीग्रेशन dx। ठीक है ना, तो ये वैल्यू आ गया बेटा 1/2a, 1/x - a का बेटा होता है log x माइनस ए, माइनस ऑफ इसका क्या बेटा log x प्लस ए और प्लस सी हो जाएगा। ठीक ना, इसको ब्रैकेट लगा सकते हैं, और इसको अगर हम लॉग एम माइनस लॉग एन करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए हो जाएगा और प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस टाइप से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, अदरवाइज क्या कर सकते थे, अदरवाइज क्या कर सकते थे, कुछ चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे बेटा। जब भी आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया जाए तो हम एक्स की जगह रिप्लेस करते हैं बेटा ए सेक थीटा। ठीक है, अगर रिप्लेसमेंट की तरीके से करना होगा तो हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा अगर एक्स को रिप्लेस किया बेटा तो डी एक्स का मतलब हो जाएगा बेटा ए सेक का मतलब क्या होता है बेटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। ठीक है ना, ये रिप्लेसमेंट हो गई। अब देखते हैं इंटीग्रेशन में क्या है आपके पास, डी एक्स की जगह मैंने क्या लिखा बेटा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा लिख दिया, डिवाइड बाई जब पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह आ गया बेटा ए स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस का वन हो जाएगा बिकॉज ए स्क्वायर कॉमन ले लिया।
ये आपका कैंसिल आउट हो गया बेटा, 1/a हो जाएगा इंटीग्रेशन। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये sec स्क्वायर थीटा माइनस का मान है, इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो नीचे आ गया बेटा आपके पास tan स्क्वायर थीटा, यहाँ आ गया sec थीटा, tan थीटा d थीटा, tan से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/a देखा जाए, ध्यान से देखिए बेटा, ये sec थीटा है अपॉन tan थीटा है d थीटा। sec का मतलब क्या होता है बेटा, 1/cos, sin का, tan का मतलब sin by cos, cos कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जाएगा 1/a, 1/sin थीटा मतलब cos sec थीटा। बहुत सिंपल सा केस है बेटा। और cos sec का इंटीग्रेशन आपको पता है बेटा, 1/a log ऑफ cos sec थीटा माइनस ऑफ cot थीटा और प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये 1/a हो गया बेटा, और log ऑफ अगर बात करें cos sec थीटा की, तो ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास x sec थीटा की वैल्यू क्या थी बेटा, sec थीटा की वैल्यू थी x अपॉन a, sec थीटा की वैल्यू क्या थी x अपॉन a। तो अगर देखा जाए चीजों को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे माइनस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सो sec थीटा बेटा वो x अपॉन a है, ध्यान से देखिएगा sec थीटा क्या है, x अपॉन a है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, ये थीटा है, तो x अपॉन a का मतलब बेटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये x अपॉन में बेस हो गया। तो ये जो परपेंडिकुलर होता है बेटा, परपेंडिकुलर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो cos sec का मतलब क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो x अपॉन क्या गया बेटा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का cot का मतलब होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ए अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया और प्लस का सी हो गया, ठीक है। हाँ तो बच्चों, अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं बेटा। तो 1/a है ये log हो गया इन अ मैग्नीट्यूड। देखिए न्यूमरेटर में क्या दिखेगा बेटा, आपको x माइनस ए दिखेगा और नीचे जो दिख रहा है बेटा एलसीएम क्या दिख रहा है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट ऑफ एक्स माइनस ए इंटर रूट ऑफ एक्स प्लस ए लिख सकते हैं, ठीक ना, प्लस का सी हो गया। अब हम समझते हैं थोड़ा कि 1/a है, ये हो गया लॉग ऑफ, यहां तक रूट से कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये कंप्लीट ऑफ रूट आएगा आपके पास एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। तो ये मतलब क्या हो गया, 1/a हो गया, लॉग देखा जाए तो मैग्नीट्यूड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, पावर क्या गया बेटा रूट है, तो इसका मतलब 1/2 प्लस का सी हो जाएगा। ये 1/2 लॉग का बाहर निकल सकता है, तो यह आएगा 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस का सी। तो इस टाइप से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी बेटा, थोड़ा सा कि ट्रांसफॉर्मेशन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो एक्स की वैल्यू क्या लिखते हैं बेटा, ए sec थीटा अदरवाइज ए cos sec थीटा, और सेम प्रोसीजर से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका आपको बता दिया मैंने कि आपको इसे स्प्लिट कर देना होता है, और ये तरीका मुझे लगता है कि ज़्यादा आसान है इसके रिस्पेक्ट में, तो आप इसको ही ट्राई कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें बेटा, दैट इज अ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। इसको भी हम लोग स्प्लिटिंग मेथड से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा। तो जो डी एक्स दिया गया बेटा, डी एक्स अपॉन में क्या बेटा, इसको लिख सकते हैं ए माइनस एक्स एंड ए प्लस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम सब्सट्रैक्ट करें, अगर हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पर तो एक्स बच जाएगा बेटा, लेकिन इन दोनों का जो एडिशन है वो देखा जाए तो एडिशन जो होगा ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स, तो एक्स कैंसिल आउट होगा, 2a हो जाएगा। तो इसका हम कुछ ऐसा लिखेंगे बेटा, 2a हमने डिवाइड कर दिया और 2a लिख दिया, 2a का मतलब हो गया बेटा a माइनस एक्स और प्लस a प्लस एक्स लिखा, डिवाइड बाय a माइनस एक्स और इंटू ए प्लस एक्स डी एक्स है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ गई बेटा, ये 1/2a हो गया। अब से अगर स्प्लिट किया जाए तो a माइनस एक्स अलग हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/a प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस ये आएगा 1/a माइनस एक्स आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपली हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये होगा आपका लॉग ऑफ ए प्लस एक्स प्लस का लॉग ऑफ ए माइनस एक्स आएगा और प्लस का सी आएगा। ध्यान रखिएगा
जो एक्स का कॉफिशियंट बड़ा निगेटिव है इसलिए हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या बेटा 1/2a आ गया, लॉग हो गया, ये m माइनस लॉग n है तो इसका मतलब है a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस का c आ जाएगा, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो स्प्लिटिंग करना ज़्यादा आसान है विथ रिस्पेक्ट टू आपको सब्सटीट्यूशन करना, लेकिन सब्सटीट्यूशन भी आपको सीखना पड़ता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें बेटा, तो क्वेश्चन का थर्ड जो दिया गया था, एक्चुअली ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं बेटा जिन्हें आपको डायरेक्ट यूज करना है, लेकिन कैसे आते हैं वो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इंटीग्रेशन डी एक्स है बेटा अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी दिया गया है। तो सिंपली इस क्वेश्चन को क्या करते हैं बेटा, ए स्क्वायर यहाँ से बाहर निकालते हैं तो 1/a² बाहर जाएगा और इंटीग्रेशन क्या आ गया बेटा, डी एक्स आ गया अपॉन में 1 प्लस ये जो हो गया एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर हो गया। अगर हम x अपॉन a को t मान लें बेटा तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो डी एक्स और ये 1/a है बेटा, x का वो डी एक्स जगह इजिकल टू dt हो गया, मतलब डी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं a dt। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/a² डी एक्स जगह लिखा बेटा a dt अपॉन में 1+t² ये a और इस a को कैंसिल आउट हो जाएगा 1/a हो जाएगा और 1/1+t² मतलब बेटा टेन इनवर्स t होता है और प्लस का सी, तो यह 1/a टेन इनवर्स एंड टी की वैल्यू क्या बेटा, टी तो एक्स अपॉन ए है और प्लस सी है। तो इस टाइप से इस फॉर्मूले का भी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो ये तो बहुत सिंपल सा केस था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें बेटा, और उस क्वेश्चन के बारे में बात करने से पहले कुछ चीज़ों को सीख लेंगे हम लोग कि कुछ स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन होते हैं, स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन ये क्या होते हैं। जब भी अंडर रूट के अंदर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है बेटा तो आपको क्या करना होता है, एक्स की जगह आपको ए साइन थीटा सब्सटीट्यूट करना होता है, अदरवाइज ए कॉस थीटा लगाते हैं। ठीक है, इसका फायदा बहुत मिल जाता है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहीं दिख जाए आपको तो एक्स की जगह आप ए टेन थीटा लगाते हैं, अदरवाइज ए कॉट थीटा यूज करेंगे। ओके, और रूट के अंदर कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिल जाए तो इसका मतलब एक्स की जगह आप पुट कर देते बेटा ए सेक थीटा लगाते हैं, अदरवाइज ए कॉसेक थीटा पुट करेंगे। तो ये बहुत बेसिक से सब्सटीट्यूशन जिन्हें आपको ध्यान रखना है और जिनका हमें यूज करना है। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन से, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज हियर। अब फोर्थ क्या दिया गया बेटा, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन का यूज करेंगे बेटा। तो अभी हमने बात की थी कि इन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहीं दिखे तो एक्स की जगह पे आप ए टेन थीटा यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा बेटा। और एक्स पे ए टेन थीटा यूज करेंगे इसका मतलब है डी एक्स क्या पुट करेंगे बेटा, ए टेन थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा, बस इतना सा काम है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, डी एक्स जगह क्या पुट किया बेटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स की जगह ए और क्या पुट करना बेटा, टेन स्क्वायर थीटा। ये बेटा ए सेक स्क्वायर थीटा है, डी थीटा हो गया, डिवाइड बाय देखेंगे तो यहां से ए स्क्वायर कॉमन हो सकता है तो ए बाहर हो गया बेटा, रूट के अंदर क्या बचा बेटा, 1+10² मतलब सेक थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर होगा तो रूट लगाएंगे तो सेक हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ए भी कैंसिल आउट हो गया, तो इंटीग्रेशन में आ गया बेटा आपके पास सेक थीटा डी थीटा। ठीक है ना, अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। ओके, अब चीजों को समझते हैं यहां से, देखिए आप देखिए पास क्या था, टेन थीटा की वैल्यू क्या थी बेटा, एक्स अपॉन ए थी। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बहुत सिंपल से ले दीजिए, थीटा है ये एक्स बेटा ये ए है क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये वैल्यू क्या आएगी बेटा, इन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगी, हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो चीज़ों को रिप्लेस कर देते हैं, लॉग आ गया, सेक की जगह क्या लिखेंगे बेटा, सेक की जगह हाइपोटेनियस अपॉन बेस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस टेन थीटा की जगह एक्स अपॉन ए और प्लस का सी हो गया। ओके, अब ये जो वैल्यू होगी लॉग हो गया, इन मैग्नीट्यूड देखा जाए तो डिवाइड बाय ए है बेटा, तो अंडर रूट में क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
और डिवाइड बाय ए का मतलब है लॉग एम अपॉन एंथ, मतलब माइनस का लॉग ए हो गया और प्लस का सी हो गया। इस पूरी की जगह हम एक सिंपल एक सिंगल कांस्टेंट का यूज कर लेते हैं और वैल्यू आ जाएगा हमारे पास लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का कांस्टेंट सी। तो ये इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा बेटा डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन है बेटा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो दिया गया था, फिफ्थ फॉर्मूला जो दिया गया है डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का सी दिया गया है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे एक्स की जगह पर ध्यान से देखिए बेटा, एक्स की जगह पर ए क्या पुट कर देते हैं, सेक थीटा पुट कर देते हैं। तो डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा, डी एक्स हो जाएगा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा। तो जस्ट ये रिप्लेसमेंट चाहिए आपको, अगर ये रिप्लेसमेंट कर दिया तो अपना काम बन जाना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या हो गया बेटा, डी एक्स की जगह, डी एक्स की जगह हो गया ए सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा डी थीटा भी आएगा, डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह आएगा बेटा ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा, ए इसका कॉमन ले दिया तो बेटा माइनस का वन हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे आएगा बेटा ए स्क्वायर से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस वन मतलब टेन स्क्वायर थीटा मतलब टेन कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा सेक थीटा डी थीटा, ठीक है। अब अगर ये केस आ गया है हमारे पास तो सेक थीटा डी थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ क्या लिख सकते हैं बेटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं और प्लस का सी हो जाएगा। अब हमारे पास क्या था बेटा, सेक थीटा की जगह था हमारे पास एक्स अपॉन ए, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए, ठीक ना, ये थीटा है। सेक का मतलब होता है बेटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस एक्स है और बेस क्या बेटा ए है। तो अगर हम परपेंडिकुलर निकालेंगे तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस का बेस स्क्वायर, ठीक है। तो चीज़ों को रिप्लेस कर देते बेटा, तो क्या आएगा लॉग ऑफ सेक की वैल्यू क्या होगी बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन बेस और प्लस टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अंडर रूट ऑफ क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए और प्लस का सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा लॉग आ जाएगा और यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करें तो एक्स प्लस क्या बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में ए आ जाएगा और प्लस का सी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बेटा लॉग आ जाएगा और एम अपॉन एन दिया गया, तो इसका मतलब हो गया एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का लॉग ए और प्लस का सी आ गया। अब इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं बेटा, कॉन्स्टेंट यूज़ कर सकते हैं। तो कॉन्स्टेंट की जगह क्या हो गया लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का एक कांस्टेंट यूज कर दिया। तो ये जो आ गया बेटा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आ गया अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। तो इस टाइप से आपका ये सोल्यूशन भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप इन डेरिवेशंस को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करना चाहिए, बहुत सिंपल सा केस बेटा, देखिएगा ध्यान से। अगर हमने ए स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया तो ए स्क्वायर को कॉमन निकाला तो बाहर ए आ गया, ये डी एक्स हो गया अपॉन में क्या आ गया बेटा अंडर रूट ऑफ वन माइनस यहाँ आएगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हम एक्स अपॉन ए को टी एज्यूम कर लें तो क्या आएगा बेटा डी एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। इसका मतलब डी एक्स की जगह आ जाएगा ए डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। डी एक्स क्या आ जाएगा ए डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया बेटा, वन अपॉन ए कर दिया और डी एक्स जगह देख दिया ए डी टी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर। ए कैंसिल आउट कर सकते हैं और वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर क्या होता है बेटा, सिंपल साइन स्क्वायर टी होता है प्लस का सी। तो साइन इनवर्स और टी की जगह क्या लिखेंगे बेटा एक्स अपॉन ए लिख देंगे और प्लस का सी हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसका भी डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने बात कर ली बेटा कि जितने भी फॉर्मूले हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे उन सबका हम लोगों ने डेरिवेशन बता दिया है, ठीक है ना। फॉर्मूले क्या क्या बेटा हमारे पास, फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या बेटा, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए लॉग एक्स प्लस ए अपॉन ए माइनस एक्स प्लस का सी। थर्ड फॉर्मूला क्या बेटा,
dx upon a square plus x square is equal to 1 upon a tan inverse x upon a plus c. ओके थर्ड फॉर्मुला हो गया बेटा. फोर्थ इसी टाइप से फॉर्मुला है हमारे पास, dx upon under root a square plus x square is equal to log of x plus under root a square plus x square plus c. फिफ्थ का फॉर्मूला बेटा, dx upon under root a square minus x square is equal to sin inverse x upon a plus c. समझिएगा बेटा, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है. dx upon under root of x square minus a square is equal to क्या होगा बेटा, log x plus under root x square minus a square plus c. ठीक है, तो इस टाइप से आप इन सिक्स फॉर्मूलों को अच्छे से याद रखेंगे और हम लोग इसका यूज करेंगे. ठीक है, तो हम लोग बेटा बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके एप्लीकेशन पार्ट के बारे में. आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, सारा फॉर्मूला डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा. ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग.